कौन है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? किस फिल्म की सक्सेस के बाद इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री का नाम स्टार्ट किया गया? किन कलाकारों को भारत के पहले हीरो और हीरोइन के नाम से जाना जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका, स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम इंडिया की पहली फुल लेंथ साइलेंट फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। राजा हरिश्चंद्र को इंडिया की पहली फुल लेंथ फिल्म के तौर पर जाना जाता है। 1913 में आई इस फिल्म को दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के डायरेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग भी किया करते थे। कहा जाता है कि 1906 में बॉम्बे के थिएटर में द लाइफ ऑफ क्रिस्ट मूवी को देखने के बाद दादा साहेब ने फिल्म बनाने का फैसला लिया, जिसके लिए वो 2 हफ्तों के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने फिल्म मेकिंग टेक्निक का कोर्स किया और इंडिया आने के बाद फाल्के फिल्म्स कंपनी ओपन करी। राजा हरिश्चंद्र के लिए फाल्के स्क्रिप्टमैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, डिजाइन, मेकअप, फिल्म एडिटिंग, फिल्म प्रोसेसिंग के भी इंचार्ज थे। यहाँ तक कि फिल्म में सिनेमाटोग्राफी करने वाले ट्रायंबक भी तलांग ने कैमरा भी फाल्के को दे दिया था। फाल्के ने इस फिल्म को 6 महीनों में ही कंप्लीट किया, जिसकी कम से कम 4 रील्स बनी थी। ये फिल्म 40 मिनट की थी। इस फिल्म का प्रीमियर ओलंपिया थिएटर बॉम्बे में 21 अप्रैल 1913 को रखा गया था। वहीं ये फिल्म 3 मई 1913 को कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफी एंड वैरायटी हॉल गोरेगांव में रिलीज करी गई। ये थिएटर भी दादा साहेब का ही था। ये फिल्म सफल रही, जिसके साथ ही इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। आज भी नेशनल फिल्म आर्चीव ऑफ इंडिया में इस फिल्म की फर्स्ट एंड लास्ट रील सहेज कर रखी गई है। इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र का किरदार दत्तराय दामोदर दबके ने निभाया था, जिसके बाद दबके को फर्स्ट इंडियन एक्टर के तौर पर जाना जाने लगा। इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की वाइफ तारामती के किरदार में अना सोलंके ने निभाया था और उन्हें फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस कहा जाने लगा। ये कहें अना भारत की पहली हीरोइन कहलाई। फिल्म में बालचंद्र फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र और तारामती के पुत्र रोहित सव के भूमिका निभाई। वही फिल्म में गजानन वसुदेव विश्वामित्र के किरदार में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में दत्तात्रेया कशिर सागर, दत्तात्रेय तलांग, गणपत जी शिंदे, विष्णु हरिओंदकर और नाथ टी तलांग भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की महानताओं को दिखाया गया है। फिल्म में राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण जीवन परिचय को न दिखाकर केवल भगवान शिव के द्वारा ली गई परीक्षा में राजा किस तरह सफल होते हैं, इसी को दिखाया गया है। दादा साहेब के दोस्तों का कहना है कि इस फिल्म को बनाने के लिए दादा ने अपना सब कुछ बेच दिया, सिर्फ अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को छोड़कर। ये रही भारत की पहली फिल्म की कुछ बातें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इसी तरह बॉलीवुड से जुड़ी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को। स्क्रिप्ट रिटन बाय मुस्कान गुप्ता।